आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। अब सेशन कोर्ट से भी गांधी को हाथ निराशा लगी है। राहुल गांधी अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। दरअसल 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजीएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। बता दें, इसी को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने जो सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी, उसको खारिज कर दी गई है। वहीं अब आगे देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी आगे क्या कुछ रुख अपनाते हैं। बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि 2019 में मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी द्वारा। वहीं 23 मार्च को सूरत के सीजीएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ निकाय चुनाव पास है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने सजा पर रोक के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा से विवेक श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए हैं, और भुवन भास्कर हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस से चंद्रेश सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो मैं चर्चा की शुरुआत चंद्रेश जी आपसे करना चाहूंगी। मानहानि केस में राहुल गांधी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी, उसको खारिज कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि आगे क्या कुछ रुख अपनाएंगे राहुल गांधी? देखिए, इस संबंध में जो कांग्रेस पार्टी के वकील हैं, जो राहुल गांधी जी के वकील हैं, उनसे लगातार बातचीत चल रही है। जो आगे का कार्रवाई होगा उसको संपन्न किया जाएगा, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जानती है जो खेला चल रहा है, जो घटनाक्रम है। कैसा खेला सर? उसे भारत की एक एक जनता, एक एक नागरिक उसको बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं। चंद्रेश जी, कैसा खेला? वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसे आप भी समझ रहे हैं अपने स्तर पर, हम भी समझ रहे हैं अपने स्तर पर। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और जो भी विधिक निर्णय होगा वो राहुल गांधी जी के तरफ से लिया जाएगा। यदि हमें हाईकोर्ट में जाना होगा, हाईकोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जानेंगे। हम ये भी देखेंगे, इंतजार करेंगे कि क्या इस मामले को स्वयं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखते हुए रिट जारी करने का कार्य करता है कि नहीं करता है। क्योंकि लोअर कोर्ट यदि अपने एक्सीडेंट जुरिस्डिक्शन, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेती है,
उस पर रिट जारी करने का भी अधिकार न्यायपालिका को है, हाई कोर्ट को है, अपर कोर्ट को है, वो कौन किस रूप में देखता है उसे एक अलग विषय है। राहुल गांधी जी के वकील लगातार इस पर विचार कर रहे हैं कि हम आगे का क्या रूप करेंगे, जो रूप होगा, जो पार्टी का रूप होगा, जो राहुल गांधी जी का रूप होगा, वो बहुत जल्द मीडिया में स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने एक शब्द कहा जिस पर आपने हमसे पूछा कि क्या खेला चल रहा है, जी बिल्कुल, तो उस खेला को हमें स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। वो खेला सब समझ रहे कि क्या खेला है, क्या देश में चल रहा है, क्या देश में नहीं चल रहा है। सर, आज आपकी याचिका खारिज कर दी गई, आपकी दलीलों में कहां चूक रह गई, क्या कमी रह गई? अब ये तो वकील बताएंगे और या फिर जज बताएंगे, वो हम कैसे बता सकते हैं? नहीं, फिर भी कोई तो बात होगी जहां चूक रह गई हो आप अपनी बात रखने में। मैं यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे ये जरूर कहूंगा कि अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में 2019 में देश के लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों पर भी ध्यान आकर्षित करने का कार्य करेंगे। हमें वो संसद में नहीं बोलने देंगे, हम सड़क पर बोलेंगे, हम जनता के बीच जाकर बात करेंगे, हमारे लिए जनता ही संसद है। तो हम अपनी बात जनता के बीच में, और राहुल गांधी जी कोई इकलौते व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी से प्रेरित है और उसके अंदर राहुल गांधी है, और वो राहुल गांधी जी की आवाज बनकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, जो रवैया है, जो उनका दृष्टिकोण है, उसको खोलने का काम, वो आवाज उठाने का काम करेंगे। हमारे इस देश की जनता के प्रति एक जवाबदेही है, हमारे समाज के प्रति जवाबदेही है, हमारे राष्ट्र के प्रति जवाबदेही है, और हम अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। सरकार अपना कार्य करे या न करे, ये उसका काम है, निर्णय लेना जनता का काम है। 2024 का चुनाव नजदीक है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी से और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है, थर्राई हुई है। इसलिए कई बार भारतीय जनता पार्टी घबराहट में, डर में, भय में गलत निर्णय भी ले लेती। लेकिन मुझे देश की न्यायपालिका पर, न्यायिक व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और हमें उम्मीद है राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा, उनकी संसदीय भी बहाल होगी और 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार भी बनेगा और राहुल गांधी जी लाल किले पर झंडा फहराएंगे। चलूंगी भुवन जी आपसे, मेरा सवाल है, पहले राहुल गांधी की सदस्यता गई, अब उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी वो खारिज कर दी गई है, क्या राय है इस पर आपकी? भुवन जी, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे भुवन जी से। वहीं हमारे साथ भाजपा से विवेक श्रीवास्तव हमसे जुड़े हैं। विवेक जी, पहले राहुल गांधी की सदस्यता गई, अब उनके बाद उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई है, आपकी क्या राय? देखिए मयूरी जी, ये पूरी तरह अदालत का विषय है और कानूनी मामला है। चंद्रेश जी ने अभी कहा है कि कांग्रेस से भाजपा घबराई हुई है और राहुल गांधी से घबराई हुई है, तो इसलिए गलत फैसले ले रही है। देखिए मयूरी जी, राहुल गांधी से कांग्रेस से भाजपा कुछ उसी तरह से घबराई हुई है जैसे राहुल गांधी के भाषण देने से भूकंप आ जाता था और संसद भवन गिर जाता था। हाँ, ये बात और है कि संसद भवन का प्लास्टर का एक कोना भी टूट के नहीं गिरा आज तक। तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे हैं, ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, सबको मालूम है कि कौन किससे घबराया हुआ है। ये इनके बार बार कहने से जनता तो सब देख रही है, कौन अमेठी छोड़ के वायनाड भाग गया, कौन
तो सर जब राहुल के बयान से कुछ नहीं होता तो सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चली सुचारू रूप से, क्यों लगातार स्थगित होती गई? लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहे, राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे कि आप लगातार बजट सत्र से भाग रहे हैं, क्यों तब नहीं चला सुचारू रूप से? मयूरी जी, जब सदन चल रहा था तो राहुल जी यात्रा कर रहे थे, सदन राहुल जी की यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार नहीं चलेगा। लोकतंत्र में सदन सर्वोपरि है, और जब हमने राहुल जी के बयान पे जो उन्होंने विदेश में भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने वाली बातें कही, आप मोदी जी को गाली दीजिए चलता है, भाजपा को गाली दीजिए चलता है, हम लोगों को गाली दीजिए चलता है, लेकिन आप जब भारत को गाली देंगे, भारत के लोकतंत्र को गाली देंगे तो ये नहीं चलेगा। हमारी प्रवक्ता को बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं बीच में रोकते हुए एक सवाल पूछूंगा। आप सत्ता पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, आप ये बताइए, आप महोदय ये बताइए, चीन की धरती पर जाकर ये कहना कि 2014 से पहले भारत में पैदा हो रहा तूफान के साथ मैडम एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण आप सवाल सुन लीजिए, बोलिए। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि चीन की धरती पर जाकर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहना कि 2014 से पहले भारत में पैदा होना देश के लिए दुर्भाग्य समझा जाता था, कलंक समझा जाता था, ये क्या भारत के हक में बयान है? अमेरिका में जाकर कहना, जर्मनी में जाकर ये बात कहना, क्या ये भारत के हक में है? आप अपनी बात रखिए विवेक जी। जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी देश के लिए जवाबदेह हैं और देश के लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही, ये देश ने बहुत बार देखी है। जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के मोदी को हटाने की मदद मांगते हैं, डोकलाम विवाद के समय जब राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में छुप के मिलते हैं, पहले मानते नहीं, जब वीडियो वायरल होता तो कहते हैं हाँ गए थे। तो ये चिंता, ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की, राहुल गांधी की, कांग्रेस के नेताओं की, जनता ने बार बार देखी है। ये कितने जिम्मेदार हैं, कितने राष्ट्र के प्रति जवाबदेह हैं, सब लोग जानते हैं। और जिस तरह से किसी एक कोटेशन को लाके आक्षेपित करते हैं, उस पूरे कोटेशन को जब भाषण के साथ बात करेंगे तो मैं उसका भी जवाब अच्छे तरीके से नहीं दे पाऊंगा। विवेक जी, जो याचिका इनकी खारिज की गई है उसको लेकर कांग्रेस का साफ तौर पर आपने सुना है, चंद्रेश जी ने कहा है कि वो आगे भी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जनता के मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे। देखिए, जनता के मुद्दे के लिए तो ये नहीं लड़ते हैं, ये लड़ते हैं अपने परिवार के लिए। आपने खुद देखा होगा कि जब ये संसद से बहिर्गमन किए तो विजय चौक तक ये ईडी और सीबीआई का विरोध करते आए, और उसके बाद इनके मुद्दे विजय चौक के आगे महंगाई और बेरोजगारी हो गए। तो जिस तरह की ये लोगों की राजनीति है, लोकतंत्र में जनता सब जानती है, यहाँ पे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देश मोदी जी के हाथ में पूरी तरह सुरक्षित है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विवेक जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, सुनिए पहले जी, सुन लीजिए, मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। मयूरी जी, इतनी जल्दी बात की नहीं बात हो पाती है। जिस बात को बार बार ये कह रहे हैं, 2014 से पहले मुझे उस देश भारत का नागरिक होने में मनमोहन सिंह जी के नाते खुद शर्म आती थी कि बगल एक देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को कहता था देहाती औरत, और हम सब सुनते थे। ये सेना, ये अर्धसैनिक बल, ये परमाणु बम, ये ताकत, ये 150 करोड़ की आबादी के देश को अगर बगल का कोई अदला सा प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करे तो ये सबके लिए शर्मनाक स्थिति थी। इस शर्मनाक स्थिति में पहुंचाया देश को किसने? ठीक है, कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने,
राहुल गांधी ने रिमोट से सरकार चला की। आज देश रिमोट से नहीं चल रहा है, भारत के लोकतंत्र से चल रहा है। और वो लोकतंत्र को मोदी जी की वो ताकत मिलती है जनता के वोट से। जी ठीक है चंद्रेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले हमारे साथ सपा से भुवन भास्कर जी जुड़े हुए हैं। भुवन जी, राहुल गांधी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी वो खारिज कर दी गई है, आपकी क्या कुछ राय है? देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, कानून का विद्यार्थी होने के कारण ये चूंकि कानूनी प्रक्रिया है उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, चाहे वो प्रदेश में आई है देश में आई है, निश्चित तौर पे विपक्षी लोगों को न केवल अपना पॉलिटिकल विपक्षी ना समझकर उनको पॉलिटिकल एनिमी की तरह ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसमें चाहे ममता जी हो, राहुल जी हो, अन्य पार्टियों के नेता हो, जो लोग इनसे विरोधाभास रखते हैं विचारधारा के, वो इनके टारगेट करते हैं। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कांग्रेस के साथी को और भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी को भी सुन पा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के सबसे सब जो प्रभुत्व व्यक्ति है वो कहते हैं कि 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो किसी को सुपर्णखा से तुलना करते हैं इस देश की महिला को, इस देश की नारी शक्ति को, हमारी मातृशक्ति को। यहां पर कहां पर आप देख पा रही है कि सम्मान हो पा रहा महिलाओं का? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये इतने हल्के शब्द प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं, ये भी देश जानना चाहता है। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत घिरी हुई है, चाहे वो एक दोस्ती को लेकर हो अडानी से, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप है, 2000 करोड़ सेल कंपनियों में किसका है इस पे बताने के लिए लोकसभा भंग कर दी जाती है। वो तो मुद्दा ही दूसरा है सर, आपकी भी विधायक आजम खान अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जा चुकी है, आपकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस बार स्वार सीट पर मई में चुनाव होने हैं। देखिए कानून के विद्यार्थी होने का, जैसे मैंने बोला मैं बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि हम इस देश के कानून को, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी कहा कि हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस देश में जो हो रहा है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। उसके तहत मैं आपको विषय बता रहा हूँ, हम लोग अपने जो हमारे लोगों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, हम लोग उसको न्याय के लिए न्यायालय पे भरोसा है और हम लोग न्यायालय में उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी या इनकी सरकार बच नहीं सकती है उन सवालों से, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो गई, और जबकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया था कि इनकी जिम्मेदारी, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो क्या ये इस प्रश्न से बच जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, या ये इस भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रश्न से बच जाएंगे कि 300 करोड़ की रिश्वत राम माधव के द्वारा एक इनके ही राज्यपाल को दी जा रही थी, इनके पार्टी के जो कार्यकर्ता भी थे, तो क्या इस प्रश्न से बच जाएगा देश? और आज एक बहुत बड़ा यश प्रश्न हो गया है संवैधानिक संस्थाओं पर भी और सर्वोच्च व्यक्तियों पर भी, माननीय राष्ट्रपति जो देश की सर्वोच्च नागरिक है उनके यहाँ अपॉइंटमेंट का फाइनल प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, क्या देश और प्रदेश इस बात को समझ नहीं पा रहा? बहुत सारे यश प्रश्न है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। निश्चित तौर पर इनकी रीति नीति और सिद्धांत जन विरोधी नहीं, बल्कि ये इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरे के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है चंद्रेश जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बात रखें। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2014 से पहले देश का नागरिक होने में उन्हें शर्म महसूस हो रहा था, इस बात पर मुझे गहरी आपत्ति है और मुझे लगता है कि देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आपकी सरकार में पठानकोट होता है, आपकी सरकार में पुलवामा होता है, उरी होता है, आपकी सरकार में प्रधानमंत्री सीधे पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, अटल जी की सरकार में मुशर्रफ के साथ बैठकर आप मीटिंग करते हैं, हो जाता है। आपकी सरकार में चीन भारत की सीमाओं में दखलअंदाजी कर रहा है,
और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से गलवान घाटी में चीन के साथ हमारे सैनिकों के झड़प हुआ और प्रधानमंत्री ने चीन का चौ बोलने से इन्होंने आपने देखा कि देश में इतना बड़ा अडानी घोटाला हुआ, स्कैम हुआ और आपकी सरकार उस पर कुछ भी कहने से कतरा रही है। हमने अडानी स्कैम पर पीएसी के गठन की बात की, आप वो नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में ठीक है सर, ये सब आपके तमाम सवाल है, तमाम मुद्दे हैं जो आप सरकार से कर रहे हैं। वही जो याचिका खारिज हुई है उसको लेकर सुन लीजिए सर, जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। इन्होंने, इनकी सरकार ने कहा कि अतीक अहमद के आतंकी संगठनों से पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं और इतना महत्वपूर्ण मामला था। ठीक है सर, ये सब तो मुद्दा ही अलग है, ये आपके मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं। ये सुन लीजिए, जो याचिका खारिज हुई है उसको लेकर संबित पात्रा ने कहा है कि यह भारत के लोगों के लिए जीत का प्रतीक है, वहीं पिछड़े वर्गों के लिए उत्साह का क्षण है। आपका आवाज आ रही मेरी? हेलो, ऐसा है मैम, संबित पात्रा क्या कहेंगे? पहली बात तो ये जान लीजिए कि मोदी उपनाम का संबंध पिछड़ों से नहीं है। कोई ये बताएगा मुझे कि पिछड़े की किस जाति में मोदी नाम आता है? मोदी एक ऐसे टाइटल है, कोई भी मोदी लिख सकता है, किसी भी जाति के लोग मोदी लिख सकते हैं। तो मोदी का संबंध पहली बात तो पिछड़ा से है नहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी स्वयं पिछड़े नहीं है, उन्होंने प्रायोजित पिछड़े हैं। पहले वो सवर्ण जाति में आते थे, बाद में उन्होंने अपने ही जाति को पिछड़े में घोषित कर दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के नाम पर देश को गुमराह करने की कोशिश न करे। एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, जब बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम किया था, तो इनकी सरकार ने बीपी सिंह से समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने का काम किया था अटल जी ने उस समय। तो मुझे लगता है कि ये पिछड़ों के विरोधी रहे हैं और ये हमेशा से पिछड़ों के विरोधी रहे। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के अधिकारों को छीनकर दूसरे जाति के लोगों को भरने का काम किया। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन से लेकर तहसील से लेकर जिले तक सभी महत्वपूर्ण पदे पर पिछड़ों को दरकिनार किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि ये पिछड़ों का नेतृत्व तो करते हैं, ये पिछड़ों के लोग हैं, ये पिछड़ा विरोधी पार्टी है। और यदि ये पिछड़े का समर्थक होते तो बीपी सिंह की सरकार को पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के मामले में नहीं गिराते। और कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से मांग किया है कि जातिगत जनगणना देश के अंदर कराई जाए ताकि सभी को बराबर अधिकार मिल सके। ये बताएं जब ये पिछड़ों के हितैषी हैं तो कि देश में जातिगत जनगणना कराकर पिछड़ों को उनका हक देने का काम करेंगे? ये लोग सदैव पिछड़ों के विरोधी रहे हैं। ये देश की अनुसूचित जाति जनजातियों के विरोधी रहे हैं। पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति का नाम सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए ले रहे हैं। और अडानी के ऊपर जो 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है दुनिया के अंदर, जो अडानी की विवेक जी है, उस पर विवेक जी आपने तमाम आरोप सुने। आपको पिछड़ा विरोधी बताया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है, जवाब दे दीजिए। देखिए मयूरी जी, हमारे कांग्रेस के मित्र तथ्यात्मक रूप से सही बातें नहीं कर रहे हैं। ये सही बात है कि मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी के जमाने तक धूल फांक रही थी। उसको बीपी सिंह जी ने निकाल के इम्प्लीमेंट किया। क्या बताइए कि बीपी सिंह की सरकार से आपने समर्थन क्यों वापस लिया? जवाब इस बात पर चाहिए कि बीपी सिंह की सरकार ने जब पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया, आपने उनकी सरकार जब आपकी सरकार थी, आप लोगों ने मांग की जाति जनगणना की, जब आपकी सरकार थी, हमने तो क्या रहे क्यों नहीं किया गया जनगणना कराई, तब क्यों नहीं किया गया? ये बताएं, हम तो श्रेय नहीं ले रहे हैं ना, पिछड़ों का ये जो श्रेय ले रहे हैं, ये बार बार पिछड़ा अगला कर रहे हैं। सर, आपके द्वारा मांग की जाती है जाति जनगणना की, नहीं है आपके समय पर क्यों नहीं हुआ? हमने पत्र लिखकर ये मांग किया है कि आप जातिगत जनगणना करा दीजिए, जिसकी जितनी जो संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइए ना, आप पिछड़े वर्ग को दिखाई दीजिए, हम आपका समर्थन कर रहे हैं, हम तो आपकी बात कर रहे हैं श्रीमान जी।
लेकिन आप न तब पिछड़ों को हक देने के पक्ष में, आखिरी सवाल मेरा विवेक जी से है, विवेक जी के पक्ष में है, आपको सिर्फ पिछड़ों का वोट चाहिए। सवाल मेरा आपसे है, आपके यहाँ जब किसी को सजा होती है तो आप सदस्यता रद्द नहीं करते, बल्कि विपक्ष द्वारा जब पत्र लिखा जाता है तब जाकर सदस्यता रद्द होती है, क्योंकि हाल ही में आपकी खतौली से विधायक विक्रम सैनी को सजा हुई थी पर एक महीने तक सदस्यता रद्द नहीं की। जब रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पत्र लिखा तब संज्ञान लेते हुए विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द की गई। अपने लिए देर से पत्र के बाद एक्शन, दूसरों के लिए तुरंत, ये कैसा रवैया आपका? ये सत्य नहीं है। नहीं सर, पत्र लिखा गया उसके बाद कार्रवाई की गई, उसके बाद सदस्यता रद्द की गई। देखिए, सदस्यता तो सजा होते ही चली जाती है, उसका एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है, लोकसभा में स्पीकर के द्वारा। सर ये आपने भी देखा कि दो दो बार पत्र लिखा गया, पूरा एक महीने का वक्त लगा, वही राहुल गांधी के मौके पर। एक महीने का वक्त नहीं लगा, उन्होंने जब पत्र लिखा उसके तीसरे चौथे दिन ही उस पे सदस्यता चली गई, उसी के लगे हाथ चुनाव हुआ। ठीक है विवेक जी, हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, थोड़ी वक्त की कमी है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि राहुल गांधी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है, मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। वहीं अब आगे देखने वाली बात रहेगी कि आखिर राहुल गांधी क्या कुछ रुख अपनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।